एनजीओ इंसानियत एसोसिएशन अध्यक्ष अर्जुन मेघे और टीम द्वारा वर्ली गेम्स मुंबई में फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां प्रतियोगिता 6 मई को सुनीता दत्ता नलवाड़े ग्राउंड वर्ली में की गई और इसमें वेट लिफ्टिंग, कार्डियो और टीम इवेंट जैसा विभिन्न श्रेणियां शामिल रही। प्रत्येक श्रेणी के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया और प्रतियोगिता की शामिल होने वाले विजेता टीम को 1,00,000 रुपए का भव्य नगद पुरस्कार दिया जाएगा। मेरा नाम अर्जुन दत्ता मेघे है, मैं इंसानियत एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई प्रदेश का मैं सर चिटनेस भी हूँ। आज हमने जो ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है वो मेरे एनजीओ इंसानियत एसोसिएशन के माध्यम से हमने किया है। हम पिछले 7 सालों से स्पोर्ट्स, वुमेन एम्पावरमेंट और एडुकेशन में काम करते हैं वर्ली के क्षेत्र में, और ये कार्यक्रम की जो सोच थी, क्योंकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं खुद फुटबॉल, एथलेटिक्स, मार्शल आर्ट्स खुद करता हूँ, तो मैं खुद इंटरनेशनल स्तर पे फुटबॉल खेला हूँ, लंदन में जाके भी फुटबॉल खेला हूँ, और जब मैं स्थिति देखता हूँ अपनी देश की और अपने देश के स्पोर्ट्समैन की, तो मुझे बहुत बुरा लगता है। और इसके लिए उनको उनमें उत्साह बढ़ाने के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और हमारा आइडिया है कि जैसे नीरज चोपड़ा ने पिछले साल एक गोल्ड मेडल लाया था, हमारी इच्छा है कि पिछले आगे के 10 सालों में इंडिया, अपना भारत, एक नहीं पर 10 गोल्ड मेडल ऐसे हासिल करे। इसके लिए एक छोटा लोगों को और एथलीट्स को प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये एक कार्यक्रम आयोजित किया। सर, जैसे आपने नीरज चोपड़ा का जिक्र किया, अभी आप इसमें ट्रेंडिंग में न्यूज है साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और जैसे लोग दिल्ली में जंतर मंतर में धरना दे रहे हैं, उसको लेकर आप क्या क्या सोच है? सर, अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है उसके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी निर्णय दिया है अपने को, और जो साक्षी मलिक और जो सब जो रेसलर्स भी है उनको भी सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय वो मान्य है, तो जैसे प्रोसीडिंग्स होगी आगे वो प्रोसीडिंग्स हमें भी मान्य रहेगी। हमें भारत और भारत के सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास है। सर, आज यहाँ कौन कौन से प्रकार के गेम है जो इतने आयोजित किए गए? सर, हमारे इसमें 7 प्रकार के गेम हैं, उसमें से 3 पावर लिफ्टिंग इवेंट्स है। हम शुरुआत करेंगे स्क्वाट से, फिर बेंच प्रेस करेंगे और उसके बाद डेडलिफ्ट करेंगे। उसके बाद 3 बॉडी वेट के इवेंट्स है, उस पर हम पुलअप से स्टार्ट करेंगे, पुशअप में जाएंगे और प्लैंक से उसको एंड करेंगे। और हमारा फाइनल जो इवेंट रहेगा, हमारा मेन इवेंट, वो हमारा टायर फ्लिप रिले है, जहाँ पे एक टीम में 4 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और टायर को फ्लिप करके रिले स्टाइल में रेस करेंगे। जो जीतेगा, जो विजेता होगा, कुछ प्राइस रखा गया? यस सर, जो टीम जो जीतेगी, हमने इंडिविजुअल प्राइज नहीं टीम प्राइजेस रखा है, क्योंकि हमें टीम बिल्डिंग करनी थी, तो जो टीम जीतेगी, जो टीम फर्स्ट आएगी उसको हम 1,00,000 रुपए का कैश प्राइज देने वाले हैं सर। और फास्ट एंड अप जो हमारे स्पॉन्सर है उनके तरफ से हर इंडिविजुअल विनर को और टीम को एक हैम्पर उनके तरफ से हम देने वाले हैं। सर, आप वर्ली गेम्स को आयोजन करते आ रहे हो अपनी इंसानियत के एनजीओ से, सर ये कितने वर्षों से आप आयोजन करते हैं? ये पहला हमारा वर्ली गेम्स का कार्यक्रम है। सर, हमने इनवाइट किया है भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना जी को, महाराष्ट्र विधानसभा के आमदार नितेश राणे जी को, पर मुझे लगता है नितेश राणे जी अभी बिजी है, बारसू में उनका महाराष्ट्र की देखभाल करने के लिए वो उनका काम कर रहे हैं, वरना वो ज़रूर आते थे। और हमने महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री मंगल प्रभात लोधा जी को भी इन्विटेशन दिया है। जो इनिशिएटिव वो ले रहा है एक छोटे जगह से, वर्ली से सिर्फ, इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज मैंने कभी किसी को नहीं देखा कि कोई फिटनेस के लिए, एक नॉर्मल बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कोई ये इवेंट हुआ है। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन समबडी टेक दिस इनिशिएटिव, विच इज़ वेरी गुड। और मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई सही आदमी सुन रहा है ये बात, तो आप लोगों को और इनिशिएटिव लेना चाहिए बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज हेल्थ एंड फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफकोर्स स्पोर्ट विल मेक द कंट्री नेम बेटर, बट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप बच्चों को समझो कि उनकी हेल्थ एंड फिटनेस अगर आप उनको एजुकेट करते हो एक सर्टन वे में, तो उनको एक राइट डायरेक्शन मिलता है दैट दे कैन डू समथिंग बेटर इन लाइफ।
एंड आई वुड रियली थैंक अर्जुन मेघे अगेन फॉर डूइंग दिस इनिशिएटिव। सर आपके पास अच्छा अनुभव है और अभी भी जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में डाउट होता है कि जो स्पोर्ट है वो कुछ अच्छा उनके लिए स्कोप नहीं है अर्निंग का, खास करके अर्निंग मनी के लिए सोचते हैं लोग। आज के टाइम में वैसे कुछ नहीं है, बिकॉज अगर आप नीरज चोपड़ा को देख रहे हो या विराट को देख रहे हो या आप लॉन टेनिस प्लेयर्स को देख रहे हो इंडिया के या आप बैडमिंटन प्लेयर्स को देख रहे हो, सो एवरीबडी इज़ डूइंग बहुत अच्छा कर रहे हैं सब एंड एवरीबडी इज़ अर्निंग। आज के टाइम में यू नो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ यू नो आप अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में पुश कर रहे हो, पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेस के लिए, बट अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे देन डेफिनेटली यू शुड सपोर्ट देम, बिकॉज देखिए वो चाहे वो म्यूज़िक हो चाहे कुछ भी हो, लाइक यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू मोटिवेट देम टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग।